हेलो दोस्तों, मैं आपको बार ड्रॉ करना बताऊंगा। बार क्या होता है, बार को कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं डीप सी प्लस प्लस। मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या है। ठीक है, एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या है, स्टूडियो डॉट एच क्या है? एक हेडर फाइल है जिसके अंदर आउटपुट इनपुट इंक्लूड किया गया है। आउटपुट और इनपुट का जो काम है सारा कुछ स्टूडियो डॉट एच में दिया गया है। कोनियो में क्या दिया गया है, कोनियो डॉट एच में आपका जो गाइड सीएस फंक्शन है, गाइड सीएस फंक्शन को इंक्लूड किया गया है। और एच इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, इसमें आईएनआईटी ग्राफ फंक्शन, जीडी मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर, डेटा एक्ट, जीएम और क्लोज ग्राफ, ये सब ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में दिया गया है। ठीक, तो आपकी जो ऊपर हेडर फाइल लिखी हुई है, इंट में से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। यहाँ से प्रोग्राम का जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। कंपाइलर जो होता है प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो चलते हैं, अब मैं समझाता हूँ आपको सही से क्या है। इंट मैन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ हेडर फाइल है। इंट मैन क्या है, इंट मैन जीडी क्या है, इंट मैन इंट तो एक आपका क्या है, डेटा ड्राइवर है। जीडी क्या है, जीडी क्या है आपका ग्राफिक्स ड्राइवर। ओके, डिटेक्ट क्या है, डिटेक्ट की इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभिक वैल्यू इसकी जीरो होती है। जीएम क्या है, ग्राफिक्स मोड। आप क्या करें, मैंने जो पहला ग्राफिक्स पहला जो प्रोग्राम बनाया उसे आप जिससे मैंने बनाया पहला जिसमें पहले मैंने बताया ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं, ग्राफिक्स वाले कैसे ऐड करते हैं, कैसे इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, मैंने वो बताया है। तो पहला ट्यूटोरियल आप देखें ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं वो देखें, उसके बाद में आप आए सेकेंड वीडियो देखें। इस टाइप से सीरियल वाइज वीडियो देखते चले आए। ठीक है, उसमें मैंने फिर मैंने सर्कल वाली वीडियो डाली है, फिर मैंने रेक्टेंगल वीडियो डाली है, फिर मैंने कई वीडियो डाल चुका हूँ मैं अभी तक। तो आप वो सारी वीडियो देखें तो आपको सही समझ में आएगा ग्राफिक्स ड्राइवर मैंने सब में अलग अलग चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो शुरू से आप वो चीज़ जरूर देखें, उसे जरूर फॉलो करें। ओके, उसके बाद क्या है, जी डी बता चुका हूँ, ग्राफिक ड्राइवर, डिटेक्ट जीरो, जी एम ग्राफिक्स मोड, आई एन आई टी ग्राफ, ये क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। जी हम इसी एम परसेंट के साथ में यूज करते हैं। ठीक, इसके अंदर एम परसेंट के साथ यूज करते हैं। ये क्या है, ये जी मैं बार बार कमेंट भी नहीं लिखना चाहता बार बार, तो मैं वैसे फ्लॉसिंग के लिए वैसे मैं लिख देता। तो आई एन टी ग्राफ, उसके अंदर क्या है, ये ग्राफिक्स मोड, ये क्या ग्राफिक्स मोड, ये ग्राफिक्स ड्राइवर, ये है पाथ। ओके, यहाँ पे पाथ दिया जाता है, टर्बो में यूज कर रहे हैं तो उस पता टर्बो में पाथ, टर्बो में पाथ दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप टर्बो में यूज कर रहे हैं ये प्रोग्राम टर्बो में लिखेंगे तो आपको पाथ देना पड़ेगा। टर्बो में यूज कर रहे हैं, डी में यूज कर रहे हैं, डी सी प्लस प्लस में यूज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से फाइल को ऐड करेंगे तो आपको पाथ देना नहीं पड़ेगा, तो आपको डिफॉल्ट में ही पाथ ले लेता है। ओके, अब मैं बार फंक्शन के बारे में बताता हूँ। बार फंक्शन क्या है, बार फंक्शन जैसे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करना बताया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जैसे मैंने रेक्टेंगल बताया था रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसी हिसाब से सेम इसका जो आर्गुमेंट है सेम आर्गुमेंट इसके लिए हुए हैं। ओके ओके, देखो क्या है बार 3D, ये मैं बार 3D फंक्शन पढ़ाऊंगा। बार 3D फंक्शन क्या होता है, तो मैं इसलिए मैंने लिख दिया था हर बार होता है। ओके, एक बार होता है, एक बार 3D होता है। ओके, तो मैं बार के बारे में पहले बताना चाहूंगा। बार आर्गुमेंट सबके दोनों के सेम होते हैं। इसके अंदर क्या है, इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट, इंट बॉटम। अगर आप इसे अच्छे समझना चाहते हैं, अगर मैं आप ऐसे समझना चाहते हैं तो आप ये फंक्शन को याद कर लें। ओके, ये क्या है, इंट टॉप है, इंट राइट है, इंट बॉटम है, इंट इंट क्या है, इंट लेफ्ट है। ओके, अगर आप इसे डेप्थ में इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं, डेप्थ से ये चीज सीखना चाहते हैं, तो आप रेक्टेंगल वाली वीडियो जरूर देखें। रेक्टेंगल वाली वीडियो में मैंने अच्छा सा फिगर बना के उसमें सही से बताया है, इंट टॉप क्या है, इंट लेफ्ट क्या है, इंट बॉटम क्या है, मैंने सब कुछ सही से बताया आपको। उसमें सारा कुछ मैंने सही से बताया है, अलग एक फिगर बना के मैंने समझाया है, इसमें मैंने वो सब लिख दिया। ओके, नीचे टाइम भी काफ़ी लगता है, बार बार क्या बताओ, एक ही चीज़ को बार बार बताओ, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, रुपये थोड़ी पड़ते हैं उसे देखने के लिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे ये फंक्शन बता रहा हूँ, ओनली फंक्शन बता रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन सही है। फंक्शन में कैसे मैं कलर फिल करेंगे, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, गेट सीएस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओके, गेट सीएस फंक्शन क्या स्क्रीन को होल्ड करता है, जब तक आपको की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करता है। ओके, उसके बाद क्लोज ग्राफ फंक्शन होता है, क्लोज ग्राफ फंक्शन को यूज करते हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ, कैसे ये प्रोग्राम मैंने रन कर दिया, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ।
मैं इसके अंदर फिर आप कलर स्टार्ट करना, कलर भी भरना बताऊंगा। कलर के बाद में मैं फिर एक फंक्शन होता है बार, वो भी फंक्शन बताऊंगा मैं, बताऊंगा आपको हर एक चीज बताऊंगा। ओके, ये हो नहीं रहा, रन नहीं हो रहा, उसने 1 मिनट, ये देखो ये, हाँ एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर मैंने था, मैंने कामा लगा दिया था, उसके कामा नहीं लगता है, तो एरर आ रहा था दोस्तों। एरर सही हो गया है, रन होना चाहिए। और जो ये फाइल आ रहा है, ये फाइल क्या आ रही है, ये नहीं आती है, ये आ जा रही है, कुछ मेरा प्रोग्राम में मतलब कि फॉल्ट आ चुका है, मतलब मैंने जो जब डेव सी प्लस प्लस ओपन किया था उसके बाद शायद एरर आ चुका है, कोई एरर आ गया इसलिए। हाँ, तो बार, जो बार फंक्शन होता है, बार फंक्शन की जो बार फंक्शन होता है, बार फंक्शन के अंदर जो कलर डिफाइन किया गया है, मैंने कलर सेट किया है, वो कलर है डिफॉल्ट कलर व्हाइट कलर है। ओके, ये व्हाइट कलर है, इसके अंदर व्हाइट कलर सेट किया गया है। ओके, अब मैं आपको कलर फिल करना बताऊंगा। आपने देख ही लिया है, वीडियो पॉज करके देख लेना। इसके अंदर एक होता है सेट फिल स्टाइल, इस फंक्शन में कलर को फिल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इंट पैटर्न, इंट कलर। ओके, इंट पैटर्न में 1 डालूंगा और कलर में डालूंगा एलो, नहीं एलो वाई। मैं ये भी था जो कैपिटल क्या है, इंट, ये पैटर्न क्या है, इंट कलर क्या है, मैं सब कुछ, सेट फिल स्टाइल क्या है, मैं सब कुछ बता दूंगा। आप पिछले ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ। उसे समझने के लिए, सही समझने के लिए आप पिछले ट्यूटोरियल को जरूर देखेंगे दोस्तों। ये मैंने इसमें कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लग गया, काफी छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत दिखती आने आती रहती हैं, तो उसे आप लोग इग्नोर करें और अपना देखिए दोस्तों। ये रन हो रहा है, एक रन होने के बाद में देख रहा हूँ, रन हो रहा है 1 मिनट, कुछ टाइम लगता है रन करने में, ये रन हो गया। ये देखो अब बीजे फाइल आएगी, ये 2 फाइलों में होता है, ये एक ईएक्सई फाइल बनती है इसकी, जो है ईएक्सई फाइल होती है, वो क्या होती है, ये हार्डवेयर के सिस्टम के पास में होती है। ये देखो ये ड्रा हो गया, अब इसका इसकी जो, ये देखो ड्रा हो गया, ये बार ड्रा हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बार को आप जैसे सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल में आप देखेंगे सही समझ में आ जाएगा, रेक्टेंगल वीडियो में। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, ये चीज और बताने वाला हूँ। यहाँ पे कलर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये पैटर्न भी अपने हिसाब से रख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू अंदर में दे रखी है 100, 50, 200, 400, ये भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट, इंट बॉटम, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने जो सेट किए हैं वो जरूरी नहीं आप यही सेट करें, आप कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको Bar3d फंक्शन बताऊंगा, फिर इसे कमेंट करता हूँ, इसे पकड़ करता हूँ, मैं यहाँ खाली लिखता हूँ Bar3d, Bar3d, Bar3d फंक्शन क्या था, 2 चीजें बढ़ जाती हैं उसमें, Bar3d इंट डेप्थ, इंट डेप्थ हो जाता है, इंट डेप्थ, डेप्थ आ जाता है, और इंट इंट टॉप फ्लैग आ जाता है, टॉप फ्लैग आ जाता है। टॉप फ्लैग क्या है, इंट टॉप फ्लैग। मैं अब इसके अंदर कुछ वैल्यू दूंगा, 220 का 20। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, एक बार सिंपल ऐसे रन कर रहा हूँ, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू वाइट ही आएगी, वाइट आएगी इसके अंदर, वाइट आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी वाइट ही आएगा, क्योंकि इनके दोनों के अंदर वाइट वाइट करके रखा है। इंट इंट डेप्थ क्या था, इंट टॉप लेग क्या था, मैं आपको बताऊंगा अभी, जब रन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, टॉप लेग कौन सा होता है और टॉप लेग कौन सी होता है, डेप्थ कौन सी होती है, लाइन डेप्थ का लाइन कौन सी होती है, जो डेप्थ की जो फ्रंट लाइन आए, जबकि ये फ्रंट लाइन देख रही है, यहाँ पे मेरा ये माउस रखा हुआ है, ये जो आपकी फ्रंट लाइन देख रही है, जो ये वाली लाइन आई है, इस पे जो माउस चल रहा है मेरा, ये तो आपकी हो जाती है डेप्थ लाइन। ठीक है, और ये जो पीछे लाइन, इस लाइन, ये जो जहाँ माउस है, इसके जो ये वाला माउस, इसके जो पीछे लाइन है, ये वाली लाइन हो जाती है आपकी, ये वाली लाइन आपकी हो जाती है आपकी टॉप फ्लैग। ओके, ये वाली लाइन टॉप फ्लैग हो जाती है। ओके, अब मैं इसके अंदर कलर फिल करना बताऊंगा, ये तो आप समझ गए होंगे, मैं कलर फिल करना बताऊंगा इसके अंदर क्या कलर, तो मैं यही फिल कर देता हूँ। और तो कुछ नहीं करना, आप तो पैटर्न करना जानते ही हैं, तो आप नेक्स्ट हो चुके हैं कि पैटर्न को कैसे मतलब कि चेंज करना, आपने अगर आपको ना आता हो तो पिछले ट्यूटोरियल देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो
पैटर्न भी चेंज करना आपको आता है, कलर भी सेट करना आता है। अपने साथ कलर भी सेट कर सकते हैं, ग्रीन येलो है, जो भी ब्लू वगैरह जो आपको कलर करना हो कर सकते हैं। आपको बार जो डेप्थ भी सेट करना आ गया, आपको टॉप फ्लैग भी आ गया, आपको सब कुछ आ गया ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको सब कुछ आ रहा है। अब देखो मैं फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना ना आपको। ये देखो रन कर दिया है, ये खाली मैंने कलर इसका कमेंट हटा दी, क्योंकि ये मैं पहले ही लिख रखा था, कमेंट हटा दिया, हो गया काम। दोस्तों कलर तो अपने हिसाब से ग्रीन ब्लू येलो कोई भी कलर आप डाल देंगे कैपिटल में काम हो जाएगा आपका। ओके यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये जो देखो ये कलर आ गया, इस पे तो कलर फिल हो गया। अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं, इस पे लाइन पे कलर फिल करना चाहते हैं, तब उसके लिए फंक्शन होता है सेट कलर। इसे यूज करें, सेट कलर, सेट सेट कलर, ये फंक्शन और होता है सेट कलर। इसके अंदर मैंने दे दिया फोर, ये देखो लाइन जो थी, ये जो डेप्थ कलर लानी थी वो सारी लाइनों के कलर चेंज हो जाएंगे, रेड कलर हो जाएगा। देखना दोस्तों अभी होके आ रहा है, ये जो रन हो जाएगा तब देखना आप इसका कलर रेड हो जाएगा। सेट कलर से आप लाइन को, जो लाइन होती है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सेट कलर लाइन को, ऊपरी सतह को कलर करने का काम करता है। ओके दोस्तों, ऊपरी सतह को करने का काम करता है। दोस्तों अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल ना देखे, पिछले ट्यूटोरियल जरूर देखें सारे। देखो ये देखो दोस्तों, ये देखो ये वाली लाइन जो तो ड्रॉ कर दी, ताकि इसके अंदर भी कोई कलर कर सकते हैं, ग्रीन येलो ब्लू। तो आप यहाँ पे या तो नंबर यूज कर लिया, मैंने नंबर यूज कर लिया फोर, फोर मतलब राइट कर सकते, आप लिख सकते हैं राइट, लिख सकते हैं कैपिटल में तब भी काम हो जाता। आप मैंने फोर लिख दिया तब भी काम हो गया। ओके दोस्तों, तो मैं आप अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें, आप आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मेरे आप इंस्टाग्राम पे लर्निंग लर्निंग पॉइंट नाम से इंस्टाग्राम बनाया है, लर्निंग.09 से उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या बीपी आदित्य वशिष्ठ नाम से जो है बी, उस पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू गाइस।